शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बच्चों को हमेशा साक्षर करने की यानी के कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से देश की महिलाएं सक्षम हो हर क्षेत्र में। जिस तरह से उन्होंने लाडली बेटी स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं उन माता पिता का यानी काफ़ी हद तक मदद की है जो गरीब हैं तबके से तल्लुक रखते हैं, जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए खर्चा नहीं कर पाते, उनके लिए लाडली स्कीम लाकर उन्होंने काफ़ी उनका मनोबल बढ़ाया, उन माता पिता को हौसला बढ़ाया। उसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर हमारी देश की महिला, हर बहन बेटी हर क्षेत्र में सक्षम हो। वहीं दूसरी तरफ 33% बिल जो आया उसके चलते अब महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में इस तरह का रक्षण मिलना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं सक्षम है, पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सियासत में कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी पीछे हैं, और उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हर पार्टी ने, अगर बात करें सियासी पार्टियों की, उन्होंने अपने मोर्चे महिला मोर्चा तो बनाए हैं, पर ये कहीं जब टिकट बांटने की बात आते हैं तो उन्हें ये कहकर पीछे कर दिया जाता है कि ये कहां जीत पाएंगी। आज भी ये जो एक यानी कि चीज है चल रही, आज भी एक इस चीज को मुद्दा बनाकर महिलाओं को पीछे किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, वही सियासी महिलाएं जिन्होंने काफी देर से पार्टियों का दामन थामा। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। 33% आरक्षण पर बोली महिलाएं, विशेष दर्जे अलगाववाद से ने जकड़ रखी थी बेड़ियां, अब मिला है खुला आसमान। हम नहीं कह रहे बल्कि ये महिलाएं कह रही है कि अलगाववाद और साथ ही साथ विशेष दर्जे ने जकड़ कर रखी थी बेड़ियां, यानी बेड़ियों में बांध कर रखा था उनकी। अब उन्हें पंख मिल गए हैं, पंख इसलिए मिले हैं कि अब उन्हें खुला आसमान मिला है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने 33% जो कोटा महिलाओं के लिए सियासत में रखा है। बताना चाहेंगे भाजपा से जुड़ी महिलाएं इस पर विशेषकर खुलकर बोल रही है। नेका ने भी इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन इसे तत्काल लागू करने की भी वकालत की है यानी अपील की है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होने से आधी आबादी काफी खुश है। सरकार यानी खासकर कश्मीरी महिलाएं, उनका उत्साह बड़ा। उनका कहना है कि विशेष दर्जे और अलगाववाद ने बेड़ियां यानी कि बेड़ियां जकड़ रखी थी, जब 73 साल बाद खुला आसमान मिला है, उन्हें भी आगे बढ़ने की विधानसभा की सर्वोच्च कुर्सी तक जाने का मौका मिल सकेगा। भाजपा से जुड़ी महिलाएं इस विशेष विषय पर खुलकर बोल रही है। नेका ने भी यानी कि विपक्षी दलों ने भी इस बिल का स्वागत किया, लेकिन इसे तत्काल लागू करने की भी सिफारिश की है। कश्मीरी महिलाओं का कहना है कि आज़ादी के बाद से 2014 के आखिरी विधानसभा चुनाव तक को शामिल किया जाए तो विधानसभा में महिलाएं प्रतिनिधियों की संख्या 2/3 के आंकड़े को पार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जब ये विधेयक बिल पारित हो गया है तो इतना तय है कि कम से कम 30 सीटों पर उनका प्रतिनिधित्व होगा। इससे उनके राजनीतिक रूप से सशक्त होने का भी मौका मिलेगा। उनका कहना है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 48 से 50% है रहती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त होने का मौका कम मिल पाता है। सभी पार्टियों ने अपना अपना महिला विंग बनाकर रखा है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो महिलाओं को इससे वंचित कर दिया जाता है कि वह चुनाव नहीं जीत सकती है, और साथ ही साथ अब जाकर सही मायने में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा और उन्हें खुला आसमान मिला है, वो उड़ान भर सकती हैं, सियासत में भी अपना दमखम दिखा सकती हैं। देश के अन्य राज्यों में महिलाओं से पहले से ही महिलाओं राजनीतिक रूप से सशक्त रही है, लेकिन यहाँ विशेष दर्जे की वजह से महिलाएं इससे वंचित रही। अलगाववाद का भी इसमें भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि इसमें सभी फैसले पुरुष प्रधान समाज को ध्यान में रखते हुए लिए जाते थे। बिल अच्छा है, पुरुष प्रधान समाज ने में महिलाओं के बारे में सोचा है, यह अच्छा कदम है। पुरुषों की तुलना में आज महिलाएं अधिक पढ़ी लिखी हैं, ऐसे में उन्हें सशक्त करना वक्त की जरूरत है।
कम से कम 50% महिलाएं वोटर होती हैं। नेका का शुरू से ही महिलाओं के प्रति नज़रिया बेहतर रहा है, उन्हें कईयों को मौका भी दिया है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि कहीं ये बिल लॉलीपॉप ना बनकर रह जाए। यदि नियत साफ है तो इसे आज से ही लागू किया जाना है, ये कहा है सकीना अट्टू, पूर्व मंत्री व राज्य सचिव नेका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दी है। अब बेटियां भी कानून बना सकेगी। विशेष दर्जे तक अलगाववाद की वजह से आम महिलाएं अपने हक से वंचित रही है। कम से कम अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी महिलाएं भी राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी, वह भी विधानसभा की दहलीज तक पहुँचेगी। ये फैसला रात के बाद उजाले की तरह कश्मीरी महिलाओं के लिए है, ये कहना है डॉक्टर दीक्षा अंद्राबी, जो अध्यक्ष जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की। साथ ही साथ बताना चाहेंगे विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाना है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण को लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली और अपरिहार्य उपकरण माना जाता है। विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण से महिलाओं और सशक्त होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पारित किया था, ये कहना है डॉक्टर हिना शफी भट्ट, उपाध्यक्ष राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। अलग अलग प्रतिक्रियां आने शुरू हो चुकी हैं। महिलाएं इस बिल के पास होने से बड़ी ही खुश है कि अब जहाँ पर महिलाएं हर जगह सशक्त है, अब राजनीतिक स्तर पर भी सशक्त होंगी और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने ये महिलाओं को तोहफा दिया है। जहाँ पर महिला हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाती थी, पर कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं को आगे आना बढ़ावा नहीं था, पर उसी के चलते जूही 33% की घोषणा हुई। अब जो महिलाएँ राजनीति में आना चाहती हैं, जो दिलचस्पी रखती हैं, जो इस योग्य है कि अपनी जनता की सेवा करना चाहती है, अपने नेतृत्व को पहचानना चाहती है, और उन्हीं को एक मौका मिला है, क्योंकि संगठन काफी बनते हैं, महिलाओं मोर्चा भी हर पार्टी में बनते हैं। साफ तौर पर कहना था उनका कि मोर्चे तो बनते हैं, पर जब टिकट बंटवारे की बात आती थी महिलाओं को पीछे रखा जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब 33% महिलाएं भी अब राजनीति में कदम रखेंगी, वो भी अब उड़ान भरेगी, उन्हें खुला आसमान देश के प्रधानमंत्री ने प्रदान किया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी भारत अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।